नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं सुनील गोस्वामी। डेली करंट अफेयर सेशन में 16 से 17 फरवरी 2018 का करंट अफेयर सेशन आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 1 से 15 फरवरी तक के करंट अफेयर के वीडियोज़ हैं वो डिस्कस किए हैं, तो वो अभी तक आपने देखे हैं तो सबसे पहले वो ज़रूर देख लें। आप डेली न्यूज़ अपडेट्स, जो भी करंट अफेयर्स बनता है उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं, टॉपिक से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी PDF फाइल है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो दोस्त पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। SK गोस्वामी 143 पर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। 9728714677 पर आप व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको PDF और डेली आपको मैटर प्रोवाइड हो जाएगा जो भी कंपटीशन एग्जाम से के लिए महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट। देखिए, अभी भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2017 जारी की गई है। केंद्रीय वन और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2017 जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के भूभाग का 24.4 हिस्सा वनों और पेड़ों से घिरा हुआ है। कितना हिस्सा? 24.4%, जो कि विश्व के कुल भाग का 2.4% है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहे हैं हमारे यहाँ से। भारत को विश्व के उन 10 देशों में 8वां स्थान दिया गया है जहाँ वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो कौन सा स्थान मिला है? 8वां स्थान 10 देशों में। देश में वन और वृक्षारण की जो स्थिति है 2015 की तुलना में 8021 वर्ग किलोमीटर में मतलब बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है। वन क्षेत्रों में 6778 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि, जबकि जो वृक्षावरण क्षेत्र है उसमें 1243 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाले राज्य एरिया के अनुसार देखें तो मध्य प्रदेश 77,414 वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश है वो 66,964 वर्ग किलोमीटर और छत्तीसगढ़ के लिए तीसरा स्थान मिला है। कुल भूभाग की तुलना में प्रतिशत के हिसाब से सबसे बड़े जो वनांचित क्षेत्र हैं वो है लक्षद्वीप 90.33%, मिजोरम 86.27%, अंडेमान निकोबार 81.73% है। UAE में पहला हिंदू मंदिर, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UAE में पहले हिंदू मंदिर के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। मंदिर में अबू धाबी में अल वाकबा नाम की जगह पर 55,000 वर्ग मीटर में बनाया जाएगा। मंदिर में कृष्ण, शिव और अयप्पा विष्णु की मूर्तियां होंगी। देखिए, कृष्ण, शिव और विष्णु की मूर्तियां होंगी इस मंदिर के अंदर। और कहाँ? UAE में बनाया जाएगा। ये अल वाकबा नामक की जगह है और 55,000 वर्ग किलोमीटर में बनाया जाएगा। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन, देखिए संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2018 चीन के किंगटाओ में जून 2018 में संघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 2017 में ये कजाकिस्तान अस्ताना में इसका आयोजन हुआ था। के पी शर्मा ओली नेपाल में नए प्रधानमंत्री बने। इन्होंने शेर बहादुर देउपा का स्थान लिया। देखिए, शेर बहादुर देउपा ने यहाँ इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद में के पी ओली को क्या बनाया गया, वहाँ नेपाल के PM बनाए गए। राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना, देखिए राजस्थान जल क्षेत्र जो पुनर्निर्माण परियोजना है, मरुस्थल क्षेत्रों के संबंध में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना के लिए भारत में न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के दूसरे ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब देखिए, राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना है, देखिए मरुस्थल क्षेत्रों के संबंध में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना के लिए भारत ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के दूसरे ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। ओके, अगला देखिए, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2018 विश्व, यहाँ से हमारा आपका क्वेश्चन बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये समिट है जो भी। देखिए, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2018 आयोजन नई दिल्ली 17 फरवरी 2018, सम्मेलन का उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। विकास स्थाय, देखिए विकास स्थाय को कैलिफोर्निया में आयोजित वैज्ञानिक एवं तकनीकी पुरस्कार समारोह में वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विकास स्थाय को कैलिफोर्निया में आयोजित वैज्ञानिक एवं तकनीकी पुरस्कार समारोह में वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, आगे देखिए, वैश्विक फार्मा सम्मेलन,
भारत के सबसे बड़े वैश्विक फार्मा सम्मेलन बेंगलुरु में शुरू किया गया, विषय इसका क्या था, ड्राइविंग नेक्स्ट जेन फार्मास्यूटिकल्स। तो ड्राइविंग नेक्स्ट जेन फार्मास्यूटिकल्स ये इसका विषय था। भारत के सबसे बड़े वैश्विक फार्मा सम्मेलन बेंगलुरु में शुरू किया गया। ओके आगे देखिए, हेलमेरियम देसालगेन, हेलमेरियम देसालगेन इथोपिया के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने इथोपिया के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा का दे दिया। क्या नाम था इनका, हेलमेरियम देसालगेन। हरुहिको कुरोदा, देखिए जापान की सरकार ने बैंक ऑफ जापान के गवर्नर हरुहिको कुरोदा को एक और अवधि के लिए पुनः नियुक्त कर लिया है। इन्होंने हरुहिको कुरोदा, जापान के गवर्नर हरुहिको कुरोदा को एक बार फिर से एक टाइम पीरियड के लिए दोबारा चुन लिया है। सिरिल रामाफोसा, देखिए दो सिरिल रामाफोसा हैं, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख सिरिल रामाफोसा को दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, अफ्रीकी राष्ट्रपति कांग्रेस जो है वहाँ, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस है जो, ANC के प्रमुख सिरिल रामाफोसा को दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। देखिए जैकब जुमा ने इस्तीफा दे दिया था, उनके स्थान पर उनको लिया गया है। तो ये हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था, हमने 16 से 17 फरवरी का वो डिस्कस किया है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा।